नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। भगवान श्री कृष्ण के जन्म दिवस का त्योहार यानी श्री कृष्ण जन्माष्टमी अनुक है और इसके लिए पूरे देश में भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिवस मनाने के साथ साथ तरह तरह के धार्मिक आयोजन भी होंगे। ये महत्वपूर्ण त्योहार हर मंदिर में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इसी कड़ी में राजधानी लखनऊ स्थित स्कॉन मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व के लिए विशेष तैयारियां चल रही हैं। इस बार भगवान राधा रमन बिहारी को विशेष पोशाक के श्रृंगार के साथ 256 भोग भी अर्पित किया जाएगा। इन विशेष दिनों पर होने वाले कार्यक्रम के बारे में लोगों को जानकारी देने हेतु स्कॉन मंदिर लखनऊ द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें पत्रकारों को जानकारी देते हुए स्कॉन मंदिर लखनऊ के अध्यक्ष श्रीमान श्याम दास ने कहा कि इस बार का आयोजन बहुत संख्या में लोगों के आने की उम्मीद है, जिसको देखते हुए भगवान श्री कृष्ण भव्य जन्म दिवस बहुत ही भव्य रूप से मनाने की तैयारी है। हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। तो आप सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग सब एकत्रित हुए हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव के उपलक्ष्य में। तो 26 अगस्त को सोमवार को भगवान परम भगवान का जन्म उत्सव है और हम सब हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे। पिछले साल 2.5 लाख से अधिक लोग आए थे भगवान का दर्शन करने के लिए, तो इस बार आशा है कि 3.5 से 4 लाख लोग आएंगे। तो आप सबके ये प्रयासों से ये संभव हो रहा है और लखनऊ के सभी भक्त भगवत गीता की शिक्षा लेकर के भगवान का दर्शन करके कृपा पात्र बन रहे हैं। तो इस बार बहुत ही विशेष है, भगवान का सुंदर ड्रेस वृंदावन धाम से आई है, मणि माणिक और जड़ियों से जड़ी हुई, और भगवान का अभिषेक होगा दोपहर 12 बजे से लेकर के रात्रि 12 बजे तक। दूध, दही, शहद और 1008 तीर्थों के जल से श्री श्री राधा रमन बिहारी का अभिषेक होगा। तो उसमें लोग अपने परिवारों के साथ सेवा करेंगे, जिन लोगों ने अभिषेक सेवा ली है। और इसके अलावा शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम है, तो सांस्कृतिक कार्यक्रम में श्रीमती मालिनी अवस्थी जी द्वारा प्रस्तुति है और इसके अलावा और भी भक्तों के द्वारा प्ले है, नृत्य है, नाटिकाएं हैं और हमारे मुख्य अतिथि के रूप में राजेश सिंह जी और अनिल सिंह जी और संजय सेठ जी वो उपस्थित रहेंगे। और हमारे निर्माण कमेटी के जो चेयरमैन है आनंद स्वरूप अग्रवाल जी वो रहेंगे और कमेटी के जितने सदस्य हैं आलोक चंद्रा जी, श्रीलाल जी, लाल बहादुर यादव प्रभु, रवि मलिक प्रभु, सारे भक्त मिल करके, एसएन अग्रवाल जी और मंदिर के भक्त मिल करके ये भव्य कार्यक्रम को और भव्य बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप सब परिवार सहित आइए और भगवान राधा रमन बिहारी का दर्शन लीजिए और भगवान का आशीर्वाद लीजिए। तो परिवार सहित आइए और भगवान का दर्शन लेकर के अपना मानव जीवन सफल करिए। अगले दिन नंदोत्सव है, हमारी संस्था के संस्थापकाचार्य एसी भक्ति वेदांत, लेकिन ये बड़ा ही विशेष दिन है क्योंकि श्री कृष्ण जन्माष्टमी केवल और केवल हिंदुओं का त्योहार नहीं है। मैं बार बार आपको हर बार बोलता हूँ, ये परब्रह्म परम भगवान परमात्मा श्री कृष्ण का प्राकट्य दिवस है। तो ये सबके लिए है, श्री कृष्ण जन्माष्टमी जीव मात्र के लिए है। जितने कीड़े मकोड़े पशु पक्षी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके लिए है, क्योंकि परब्रह्म परमात्मा एक है, वो अलग नहीं है, वो सबका भगवान है। तो आप सब आइए, हम सबका स्वागत करते हैं, सभी लोगों का, सब लोग आइए, सबके लिए प्रसाद है, सबके लिए दर्शन है, सबके लिए भगवान के दरबार खुले हैं। तो मैं चाहूंगा लखनऊ के सभी भक्तों को गंगा जमुनी तहजीब का पालन करते हुए सब लोग आए, हिंदू भी आए, मुस्लिम भी आए, सिख भी आए, ईसाई भी आए और परब्रह्म परमात्मा का आशीर्वाद लें। विशेष आपको कई कार्यक्रम विशेष हैं, जिसमें पद्मश्री मालिनी अवस्थी जी के द्वारा विशेष प्रस्तुति है और नृत्य नाटिकाएं हैं, विशेष मैसेज देने वाले प्ले हैं जिनको देख करके हमारे जीवन में कुछ शिक्षा मिले,
और इसके अलावा भगवान का जो अभिषेक है, भगवान की सुंदर ड्रेस है, 256 प्रकार के भोजन है, भगवान को भोग लगाए जाएंगे 256 प्रकार के व्यंजन। तो देखिए हर बार विशेषता होती है सेवाओं की, इस बार हाँ एक बहुत विशेष है, हम लोग संस्कार शाला खोल रहे हैं जिसमें हम संडे के संडे लोगों को, बच्चों को, खास करके जो हमारे छोटे बच्चे हैं जो स्कूल में जा रहे हैं, भौतिक शिक्षा तो ले रहे हैं लेकिन उनको आध्यात्मिक शिक्षा भी मिले, इसके लिए संस्कार शाला की शुरुआत इस जन्माष्टमी की बात कर रहे हैं, जो कि संडे संडे सुबह 7 बजे से लेकर के और 9 बजे 2 घंटे की क्लास होगी, जिसमें बच्चों को अपनी भगवत गीता और भागवत और स्टोरी के साथ, मोरल स्टोरी के साथ उनको आध्यात्मिक शिक्षा भी दी जाएगी भौतिक शिक्षा के साथ साथ। लखनऊ से सीनियर संवाददाता गौरव श्रीवास्तव की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।